दोस्तों, कभी कभी हम जब बहुत टेस्टी खाना खाते हैं तो कई बार ऐसा होता है जब हमारा पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। और कभी यही खाना अगर टेस्टी ना लगे तो पेट और मन दोनों ही नहीं भरते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम कितना भी खाना क्यों ना खा रहे हैं लेकिन पेट आगे भरता ही नहीं। वहीं जब भी हमें तेज भूख लगती है तो पेट से अजीब सी आवाज आने लगती है, सिर भारी होने लगता है और चिड़चिड़ापन होने के साथ साथ किसी भी चीज पर कंसंट्रेट करने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसा आपके साथ भी शायद कई बार हुआ होगा, लेकिन आपने कभी सोचा है कि भूख आखिर क्यों लगती है? तो चलिए हम बताते हैं। जहां तक छोटे बच्चों की बात है तो डॉक्टर्स उनके पेरेंट्स से ऐसा कहते नजर आते हैं कि इन्हें हर घंटे दूध पिलाना चाहिए। लगातार ऐसा करने से बच्चों की हंगर साइकिल कुछ इस तरह की हो जाती है कि कुछ फिक्स टाइम में उन्हें भूख लगती ही लगती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है भूख का ये टाइम गैप भी बढ़ता जाता है, लेकिन एक बात तो तय है कि बच्चे एक फिक्स टाइम पर ही खाना खाते हैं। और अगर हम बड़े लोग भी इधर उधर की उल्टी सीधी चीजें ना खाएं तो हमें भी फिक्स टाइम पर अपने आप ही भूख लगेगी और हमारी हंगर साइकिल भी वैसी हो जाएगी जैसी बच्चों की होती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बॉडी कैसे डिसाइड करती है कि अब खाना खाने का समय हो गया है। तो मान लीजिए हमारा दिमाग एक मशीन है और इसे चलाने के लिए फ्यूल की भी जरूरत होगी। ये फ्यूल अगर आप सही मात्रा में डालेंगे तो मशीन सही तरह से चलती रहेगी, लेकिन वहीं अगर आप इस फ्यूल को शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा डालेंगे तो ये मशीन इसे फैट के तौर पर जमा कर लेगी। जहाँ तक खाने के डाइजेशन की बात है तो मुंह के जरिए खाया गया खाना हाथों में जाकर पचता है। इसका सीधा कनेक्शन धमनियों के जरिए दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। हमारे शरीर में कितना फ्यूल बना है इसे ब्लड शुगर लेवल के जरिए आसानी से पता लगाया जा सकता है। जब हमारा पेट भरा हुआ होता है तो ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होता है और हमारे ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि बॉडी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे ब्लड शुगर लेवल गिरता है वैसे वैसे हमें भूख लगने लगती है। लेकिन जब शरीर में ये लेवल ज़रूरत से ज़्यादा गिर जाता है तो हमारे दिमाग में एक सायरन बजने लगता है और वो दिमाग को बताने की कोशिश करता है कि कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। वहीं जब पेट खाली होता है तो हमारे शरीर में भूख लगने वाले हार्मोन निकलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रेलिन नाम के हार्मोन हमारे शरीर में लगने वाली भूख के लिए जिम्मेदार होता है, जो दिमाग को खाना खाने का मैसेज भेजता है और दिमाग शरीर को हंगर मोड पर डाल देता है। जैसे जैसे हम खाना खाते हैं वैसे वैसे हार्मोन का लेवल कम होता जाता है। लेकिन ये भी देखने में आता है कि मोटे लोगों में ग्रेलिन नाम का हार्मोन का लेवल खाने के बाद भी कम नहीं होता, इसीलिए ऐसे लोग अपनी भूख को शांत करने के अलग अलग तरह के और ज़्यादा खाने की चीज़ें खाते हैं। तो जैसे जैसे हम खाना खाते हैं तो पेट भरने लगता है और हमारे शरीर में लेप्टिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो दिमाग को ये बताने का काम करता है कि पेट भर गया है और अब खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दिमाग को ये सब करने में थोड़ा टाइम लगता है। सबसे पहले दिमाग ये चेक करता है कि खाना आपने पेट भर के खाया है उसमें शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने वाली चीज़ें भी हैं या नहीं। अगर शरीर को सब कुछ ठीक लगता है तो दिमाग नॉर्मल मोड में चला जाता है। दरअसल हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। इसके बाद हमारे शरीर में मौजूद पैंक्रियास से इंसुलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है, जो कि हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाओं यानी सेल्स को ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने का ऑर्डर देता है। जहाँ तक कि पैंक्रियास की बात है तो वह खाने को पचाने के लिए जिम्मेदार होता है और ये छोटी आंत में पहले भाग के रूप में जाना जाता है। इंसुलिन नाम का ये हार्मोन ही हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। वही शरीर को ये पूरा प्रोसेस करने में तकरीबन 20 मिनट का समय लगता है, इसलिए कहा जाता है कि खाना आराम से और चबा चबा कर खाना चाहिए। क्योंकि आप जब भी दिन भर में चलते फिरते नमकीन बिस्किट जैसी तरह तरह की चीज़ें खाते हैं तो उसे आपका दिमाग रजिस्टर नहीं कर पाता, लेकिन जब आप आराम से बैठकर खाना खाते हैं तो दिमाग आपके पेट भरने का पूरा मौका देता है। इसको ऐसे समझते हैं कि जब आप जलेबी या गुलाब जामुन खाते हैं तो इससे आपके शरीर में खूब सारी कैलोरीज तो चली जाती है, लेकिन आपके दिमाग को यह एहसास नहीं होता कि आपका ऐसी किसी चीज़ को खाने से पेट भर रहा है। इसीलिए ऐसा कई बार होता है कि हम खाना तो खा लेते हैं लेकिन इसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हमें और खाने की ज़रूरत है। इसका एक और मज़ेदार एग्जाम्पल है, जब आप अपने मन की कोई पसंदीदा चीज़ खाते हैं तो स्वाद के चलते चलते 20 मिनट की जगह जल्दी जल्दी 10 मिनट में इतना खा लेते हैं कि उस वक्त पता ही नहीं चलता, लेकिन जब आपके दिमाग को ये सब समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वैसे जल्दी जल्दी खाने के कई नुकसान हैं, उनमें से एक नुकसान तो ये है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कितना खाना खाना है। जब आप खाना चबाते हैं तो खाने के साथ हवा भी हमारे पेट में पहुंच जाती है और हाथों में खाना पचता है, तो इसके साथ ही कुछ गैस भी बनती है। वहीं एक दिन की बात की जाए तो सिर्फ एक दिन में हमारे शरीर के अंदर
तकरीबन 2 लीटर गैस बनती है और रिलीज होती है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन कई बार जब शरीर का ये प्रोसेस रुक जाता है तो गड़बड़ होने लगती है और कब्ज जैसी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए दिन भर में जितना शरीर को जरूरत हो उतना पानी पीना चाहिए और फाइबर से भरपूर खाना जैसे खूब सारी दाल, सब्जी और तरह तरह के फल अपने खाने में जरूर शामिल करने चाहिए ताकि शरीर का डाइजेशन अच्छा रहे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पैदल चलना बंद ना करें। एक रिसर्च बताती है कि देश में 15% लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम रहती है और उम्र के साथ ये समस्या और भी बढ़ जाती है। वैसे पेट में कब्ज होने पर आपने लोगों को ये सब गोल खाने के लिए कहते हुए सुना होगा। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें फाइबर की क्वांटिटी काफी अच्छी मात्रा में होती है, जो आपकी कब्ज को दूर करने के लिए काफी हेल्प करती है। लेकिन कहते हैं कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है तो ज्यादा फाइबर भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब आप कब्ज जैसी समस्या से जूझ रहे हैं तो रोटी और ब्रेड थोड़ा कम कर दें और प्याज, लहसुन और बंद गोभी से कुछ दिन के लिए दूरी बना लें। इनकी जगह चावल, मक्का, मेवा, टमाटर और अंगूर खाएं, जो आपकी सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ इस पर निर्भर करती है कि हम क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो हमारे दिमाग को कुछ पता नहीं चलेगा और आप सिर्फ अपनी भूख मिटाने के चक्कर में शरीर के अंदर खूब सारी कैलोरीज जमा कर लेंगे। तो दोस्तों, आप भूख लगने पर आप किस तरह का खाना खाना पसंद करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें।